मित्रों, भाषा को महत्व दिया गया है। यह कहा गया है, एनसीएफ ने कहा है, प्रारंभिक 5 साल की पढ़ाई को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने के लिए। मित्रों, जो कोणार्क मंदिर आप देखोगे, उस कोणार्क मंदिर को बनाने वाले कोई लोग आईआईटी के विद्यार्थी नहीं थे, उनको इंग्लिश नहीं आता होगा, लेकिन उन्होंने बनाया, रिसर्च किया होगा, विज्ञान को जोड़ा होगा, सूरज की पहला किरण यहां आया होगा, कुछ तो कैलकुलेशन मैट्रिक्स लगाया होगा ना। इसलिए मौलिक चिंता के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बाहर की भाषा को बोझिला तरीके से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बच्चा जिस भाषा में पहला शब्द सुनता है, पहला शब्द बोलता है, उसी में अगर प्रारंभिक कालों में, प्रारंभिक, यानी ये तो आप लोगों ने हमको बताया, आयु 8 के अंदर बच्चे की 85% मेंटल ग्रोथ हो जाता है। उस आयु में अगर वो मातृभाषा में विषय को समझता है, आत्मसात करता है, पढ़ता है, लिखता है, तब वो वैज्ञानिक होता है, तब वो विशिष्ट साहित्यकार होता है, तब वो विशिष्ट गणितज्ञ होता है। इस बार एनईपी ने उसमें महत्व दिया है, जनजाति की भाषा को महत्व दिया है, स्थानीय भाषा को महत्व दिया है। इसमें कला संस्कृति सेतु के रूप में बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। इसको कैसे व्यवहारिक तरीके से लाएंगे, यह कला उत्सव उसकी एक प्रयोगशाला है, उसकी रास्ता समझने के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, आज देश में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हो रहा है, उसकी लोगो भी लगाया गया है, G20। G20 में प्रधानमंत्री जी ने विश्व को वार्ता दिया है, हम पूरा विश्व की सभी मनुष्य, सभी जीव जगत एक ही है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, यह सिर्फ अमेरिका को प्रभावित नहीं करता है, यूरोप को प्रभावित नहीं करता है, भारत को भी प्रभावित करता है। इसलिए पर्यावरण को संभलना है, यह तो यूनिवर्सल विषय है। पानी को संभलना है, यह तो यूनिवर्सल विषय है। यह कहा जाता है 3rd World War वाटर के लिए होगा, तो पानी को संभालना पड़ेगा, ऊर्जा के लिए होगा, संभालना पड़ेगा। इसीलिए अगर विश्व की नागरिकों के अंदर वैश्विक भाव नहीं आएगा, यानी मैं बड़ा हूं ऐसा नहीं वैश्विक भाव, यहां जिस आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अंग्रेज आए थे, हमको 250-300 साल हमारे ऊपर हुकूमत किए इस आधार पे कि तुम लोगों की रंग काला है, तुम्हारी कम बुद्धि है, हम तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, यही कहकर तो ऋषि जिम लाए थे। लेकिन भारत के लोग विश्व के बारे में सोचने वाले लोग हैं, प्रजातांत्रिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप ऐसे एक जगह पे बैठे हो, हजारों साल पहले इसी भूमि में कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था, उस समय में इस भूखंड में, कलिंग में कोई राजा नहीं थे, या मगध के सम्राट अशोक आक्रमण करने के लिए आए थे। उस समय में यहां की प्रजा गणतंत्र में विश्वास रख के, प्रजातंत्र में विश्वास रख के, ये गणराज्य के नाते उनके साथ लड़ा था। यानी हमारी देश में हजारों साल पहले डेमोक्रेसी है। देश में आज G20 हो रहा है, G20 हमें अवसर दे रहा है विश्व को दिखाने के लिए भारत की मूलभूत विचारों को। मैं कला उत्सव के माध्यम से पूरा देश की स्कूली व्यवस्था को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, शिक्षकों को निवेदन करना चाहता हूं, यह मौका है, यही मौका है भारत की विरासत को विश्व के सामने रखने के लिए। आप लोग उस काम पे नेतृत्व कर रहे हो, यह कला उत्सव उस दिशा में एक बहुत बड़ी कदम होगी, वैश्विक नागरिक बनाने के लिए
21वीं सदी की समस्या को समाधान करने के लिए।